स्टूडेंट्स आज मीटिंग होने जा रही है जी, आपके पास शफकत महमूद, मुराद रास और एनसीओसी वाले सारे के सारे आज मुकम्मल तौर पे मीटिंग करेंगे और उसमें बताएंगे कि प्रॉपर आपके पास डेट शीट से मुतलक और ये तमाम की तमाम चीज़ें आज डिस्कस होंगी। तो बेटा आज की जो मीटिंग है वो सबसे अहम है, आगे भी मीटिंग होगी ठीक है 3 जून को, लेकिन आज मीटिंग जो है वो आपकी बहुत अहम होने जा रही है, वो इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर तक पता चल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना मोहम्मद लाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आरएमडी टीवी। बेटा आपके पास कुछ खबरें आ चुकी हैं, आज हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी नई न्यूज़ आई है। तो आज सबसे पहले देखें बेटा, आपके स्कूल कॉलेज जो हैं ये उसके मतलब आपको क्लियर कट बात पता होनी चाहिए बेटा। आपकी जो मीटिंग है, आपकी 3 जून को दोबारा मीटिंग होने जा रही है, उस मीटिंग में डिसाइड होगा कि आया कि तमाम के तमाम स्कूल कॉलेज ओपन करने हैं या नहीं करने। आपके बोर्ड एग्जाम के मतलब ये तमाम की तमाम जो पॉलिसी है वो बताई जाएगी आपको 3 जून को, लेकिन वैसे स्कूल कॉलेज ओपन होने जा रहे हैं वो 7 जून को ओपन हो रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एग्जाम कब होंगे, उसकी डेट शीट कब आएगी, ये सारे का सारा डिसाइड होगा 3 तारीख को। लेकिन बेटा आपके पास मुराद रास ने क्या कहा है, जरा उसका एक क्लिप मैं जरा सुनाता हूँ, आपको उससे अंदाजा हो जाएगा कि आया कि आगे होने क्या जा रहा है। जरा मुराद राज जो है उसका एक क्लिप मैं आपको बताऊं कि कल भी हमारी मीटिंग हुई सारे कॉलेज की, उसमें मेजोरिटी ने ये बात कही है, मेरा भी ये इसमें तरकीब अभी ने साथ है स्कूल एवं बच्चे को। देखिए स्कूल जो है वो एक क्लास जो है एक टाइम बॉम्ब की तरह, अगर खुदा ना खासा एक बच्चा लेकर आता है कोरोना तो आपको पता है बच्चे कितने क्लोजली बैठते हैं, एक डेस्क लंबे डेस्क के ऊपर चार चार बच्चे इकट्ठे बैठे होते हैं और ये पब्लिक भी प्राइवेट स्कूल में इसी तरह बैठे होते हैं। और आप सोचें एक बच्चे से 3-4 बच्चे हो या 3-4 बच्चे 3-4 ये मल्टीप्लाई होता है। और हमारे लिए बच्चों की जाने और टीचर की जाने और उनकी फैमिली की वो सबसे जरूरी थी। हमें इस मतलब पढ़ाई के सेकेंडरी लोगों की जाने बचाना होती है और मुझे ये बाकी नहीं रहेगा, हमारी नंबर वन प्रायोरिटी है। तो कोई इतना बड़ा फैसला नहीं है, अगर 1-10 को या 1-9 को या 1-8 को प्रमोट कर दिया जाएगा और चैनल बोलने में कोई इसकी बड़ी बात नहीं। तो बेटा आपने मुराद रास का सुन लिया, देख सकते हैं उन्होंने कहा है, क्लियर कट कहा है कि हम स्टूडेंट्स की जो सेहत है उस पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। स्टूडेंट की सेहत, अगर कोई एक बच्चे को भी कोरोना हो जाता है तो उससे बहुत ज्यादा कोरोना फैलने के चांस बहुत ज्यादा है। और सेकंड एक और चीज, सबसे बड़ी अहम तरीन चीज पता है क्या बेटा, आगे गर्मियां आ रही हैं, गर्मियों के अंदर तो पॉसिबल ही नहीं, इतनी इंतहा की गर्मी होगी तो एग्जाम कैसे कंडक्ट होंगे, ये वहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर मैं अभी भी कह रहा हूं बेटा, अगर आपके पास कोरोना रहता है 3 जून तक कोरोना रहता है तो स्कूल कॉलेज तमाम के तमाम ओपन नहीं होंगे, जो कुछ मर्जी हो जाए। एनसीओसी वालों ने नो डाउट उन्होंने कह दिया है कि आपके जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर हैं ये अपने फैसले खुद करें, उसको देखें कब ओपन करने हैं कब नहीं, ठीक है। तो लेकिन अब सारे का सारा फिर दोबारा जो गवर्नमेंट है, वो आपके पास जो एजुकेशन मिनिस्टर है, वो टोटली अभी भी किसको देख रहे हैं, आपके पास कोरोना को देख रहे हैं। 3 जून को इंशाल्लाह नया फैसला होने जा रहा है, इसमें आपको सही पता चल जाएगा कि जो सप्ली है या इंप्रूवमेंट है इन तमाम के स्टूडेंट के साथ क्या होगा। लेकिन मैं बेटा आपको बता दूं क्लियर कट, अगर एग्जाम लेते हैं तो ये आप लोगों के साथ ज्यादती है, इनको चाहिए सबसे पहले कम से कम 1 मंथ एक्सटेंड करना चाहिए, बच्चों को 1 मंथ टाइम देना चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट कहा कि अगर इस टाइम के अंदर ये काम करते हैं तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। जो लाइक 3 स्टूडेंट है ना वो भी घर बैठा हुआ है, उसको नहीं पता साइंस सब्जेक्ट, मैं कह सकता हूं कि उसको शायद हो सकता है कहीं पे थोड़ा बहुत आइडिया हो, लेकिन जो 8 सब्जेक्ट है उनके मतलब तो बात ही ना करें ना, वो तो बुक्स मुकम्मल तौर पे बंद है। लेकिन अब ये भी एक बात चल रही है बोर्ड के अंदर, कुछ हमारी चुड़ैल की भी खबर है कि हो सकता है कि आपके साइंस सब्जेक्ट को ले लिए जाए, 8 सब्जेक्ट रह दिए जाए, लेकिन ये तमाम के तमाम जो है अभी तक इसके अंदर सच्चाई नहीं है बेटा। लेकिन देखते हैं आगे, जैसे ही कोई मतलब कह लें कि खबर आएगी वो आपको लाजम बताएंगे, जब तक आपके पास क्लियर नोटिफिकेशन नहीं आता आप तब कुछ नहीं कह सकते। और इसके अलावा स्टूडेंट ने क्या किया, ज़रा मैं आज आपको बताता हूँ, लाहौर में, पेशावर के अंदर, इस्लामाबाद में बच्चों ने इंतहाई एहतजाज किया और बताया कि भाई हमें प्रमोट करें, हमारा ये हक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा उनकी भी वीडियो सुना देता हूँ, वो भी ज़रा सुन लें और आपके पास न्यूज़ में क्या आ रहा है और क्या आया कि कोरोना के हालात क्या हैं, वो भी एक जरा वीडियो सुन लें, उससे आपको और क्लियर कट हो जाएगा। जरा करो
बेगर 20 अजला में तालीमी इदारे खोलने का फैसला 3 जून को SCOC के इजलास में किया जाएगा SCOC की हिदायत के मुताबिक पंजाब भर के 16 अजला में तालीमी इदारे 20 से खुल जाएंगे, जबकि लाहौर समेत बाकी 20 अजला में खुल सुना आपने देख लिया। स्टूडेंट जो है अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और ये जितने एजुकेशन मिनिस्टर हैं ये इंतहाई यकीन मानिएगा अगर मुझसे पूछें ये इंतहाई डीट होकर बैठे हुए हैं और अभी तक कुछ नहीं पता कि डेट शीट के मतलब नहीं है। अभी ये कुछ कह रहे हैं कि 17 जून के बाद है 18 जून के बाद है, ये तब तक जब तक डेट शीट नहीं आती तब तक आप नहीं कह सकते कि भाई पेपर कब हो रहे हैं। और दूसरी बात है ना, इनको चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए, खास तौर पे कुछ बच्चों ने मुझे सजेशन दिया कि सर कम से कम हमें क्लियर तो करें ना, हमें कोई शॉर्ट जैसे शॉर्ट सिलेबस दिया है, स्मार्ट सिलेबस दिया है, इससे रिलेटेड कोई गेस्ट पेपर ऐसा दें जिससे स्टूडेंट जो है इस शॉर्ट टाइम के अंदर उसको अच्छे तरीके से तैयारी कर सके। कुछ ना कुछ तो बच्चा ऐसे पेपर में बैठा हो उसको कुछ ना कुछ तो आता हो। अगर ये नहीं करते तो यकीन मानिएगा ये स्टूडेंट के साथ जाती है और स्टूडेंट को फेल करने वाली बात है। मैं बार बार कह चुका हूँ ये, अगर आप लोगों का अगर पहली तो बात ये है कि ना प्रमोट करना चाहिए, ये स्टूडेंट का हक है, इस वक्त का हक है। आपके एग्जाम अप्रैल में होते हैं और आपका जून आ गया और जून आ गया और आप जुलाई के एंड तक एग्जाम देंगे, अगस्त में जाके इंतहाई गर्मी में वहाँ भी टीचर जो है वो जल रहा होगा, मार्किंग करेगा। और लेकिन ये तमाम चीज़ें होने जा रही हैं लेकिन ये क्या क्या वजह है, ये डीट होकर बैठे हुए हैं और कोई ऐसा फैसला नहीं कर रहे। अगर इनको चाहिए सबसे पहले तो बात ये है कि शफकत महमूद मुरादराज इन सबको जितने एजुकेशन मिनिस्टर हैं इनको सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, ये इनको बताना चाहिए था स्टूडेंट्स को ये चीज़ें गाइडलाइन है इसके ऊपर अमल करें ताकि स्टूडेंट इससे क्लियर हो जाए, लेकिन इनके पास नहीं है। आप देख सकते हैं ये जस्ट ट्विटर पे आके कभी कभार नोटिफिकेशन दे देते हैं, कभी क्या कह रहे हैं कभी क्या, और अभी भी इन्होंने लॉलीपॉप दे दिया है 3 जून का। अब ये 3 जून को देखते हैं आगे क्या होता है, अल्लाह खैर करे। बेटा ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, मुझे उम्मीद है अल्लाह खैर करे कुछ ना कुछ अच्छा होगा और होना भी चाहिए, ये आप लोगों का हक है और इंशाल्लाह जो कुछ हो सके बेटा मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को प्रमोट करना चाहिए, इस वक्त का तकाजा है। स्टूडेंट एग्जाम देना चाहता है, पहले भी एग्जाम देता रहा, सारी जिंदगी स्टूडेंट ने एग्जाम देने हैं, इम्तिहान देने हैं, स्टूडेंट इससे नहीं भागता, लेकिन इनको पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रही। लेकिन देखते हैं बेटा आगे क्या होता है, अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।